अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जब हम प्रोटेक्टर करवाने के लिए मुतलका प्रोटेक्टर ऑफिस जाते हैं तो प्रोटेक्टर करवाने के लिए हमें मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रना होता है और हर मरहले पर हमारा काफ़ी टाइम लगता है। वो सारे मराहिल कौन कौन से हैं इस पर मैं बहुत ही उम्दा वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उसे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो इन मराहिल में एक मरहला होता है फॉर्म को ऑनलाइन पुर करना, जिस पर प्रोटेक्टर ऑफिस में बहुत टाइम लगता है। वो फॉर्म प्रोटेक्टर ऑफिस वाले आपसे पूछ पूछ कर पुर करते हैं, जिस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ये फॉर्म आप ख़ुद ऑनलाइन पुर कर लें तो इससे ना सिर्फ आपका बल्कि दूसरों का कीमती वक्त भी बच सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ चंद मिनटों में इस फॉर्म को खुद बड़ी आसानी से ऑनलाइन पुर कर लेंगे। इस वीडियो यहाँ से मैं आपको नाज़रीन दिखाना चाहता हूँ कि हम अपने मोबाइल या लैपटॉप से किस तरह अपने इमिग्रेशन वाले ये जो फॉर्म होता है इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हमने पहले इसे ओपन करना कैसे है, कहाँ से ओपन करना है, कैसे ओपन करना है। और जब हम इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने ये जो फॉर्म ओपन होगा इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं, ये मैं पहले आपको डायरेक्टली दिखाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इन सारे सेक्शन को बयान करूँगा और इन सारे सेक्शन में इन सारे बॉक्सेस को कैसे हमने फिल अप करना है ये भी आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप खोल के उसकी स्क्रीन पे जाकर आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने वहाँ पर सर्च बार में लिखने आया है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। आपने इसको अपने सर्च में ला के इसको लिखना है और फिर इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा इस पेज के ऊपर आपने आकर देखना है ये जो लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट इमिग्रेशन, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। आप देखें मैंने इस सेक्शन को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। इस हाईलाइट किए एरिया को यानी कि आपने जब यहाँ पर आकर इसको क्लिक करना है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने ये अगला पेज ओपन होगा। ये अगला पेज ओपन हो रहा है जो कि मेन पेज है। अब आप ये मेन पेज देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मेन पेज है। जैसे ही आप इस मेन पेज को थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो इसके बाद जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अब ये देखें ये पहला पेज आ चुका है। इस पहले पेज में आप देख रहे हैं इस ये पहला सेक्शन है। इस पहले सेक्शन के अंदर आपकी मुलाजमत की तफसीलात जो हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले बॉक्स में लिखा हुआ जॉब टाइटल कि आप कौन सी जॉब करें, आप डॉक्टर, इंजीनियर या स्वीपर के तौर पर या गार्ड के तौर पर जो है वो मुलाजमत करने के लिए जो है वो अपने मतलूबा कंट्री जा रहे हैं। नीचे आपने लिखना है या तो आप वही जो ऊपर आपने वो लिखा है वही वाला टाइटल यहाँ पर लिख दें, या आप ये बता दें कि ये जो आप जो जॉब कर रहे हैं ये किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम आपने लिखना है। और इससे जो नीचे वाला बॉक्स है यानी कि बॉक्स नंबर 3, इसमें आपने बताना है कि आपकी महाना तनख्वाह या सैलरी कितनी लगाई जा रही है, ये आपके पास जो एग्रीमेंट आया हुआ है उसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो चौथे बॉक्स में आप देखें तो यहाँ पर वो करेंसी देखी गई है कि आपकी जो सैलरी है वो किस करेंसी में है, तो आपने उस करेंसी का नाम लिखना है यहाँ पर। अगर आप जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे सऊदी रियाल, और अगर आप दुबई वगैरह जा रहे हैं तो आप यहाँ पर दिरहम, या जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की करेंसी का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। और सबसे लास्ट वाले बॉक्स में देखिए एम्प्लॉयर या नाम आजर, यानी उस शख्स का नाम जो आप जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं वो जो इस कंपनी का मालिक है आपने यहाँ पर उसके मालिक का नाम लिखना है।
जी, उसके बाद आपने जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी का मालिक है, उसका पता लिखना है। ये एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपने एम्प्लॉयर का जो सिटी है, वो जिस सिटी में रह रहा है, यानी कि अगर वो सऊदी अरब में है तो सऊदी अरब में वो जद्दा या मक्का मदीना किसी एक जगह पर होगा, तो आपने उस शहर का नाम लिखना है। अगर वो दुबई में है तो उसका मतलब है दुबई कंट्री भी और शहर भी, तो आप दुबई लिखेंगे। उसके बाद आपने उसकी कंट्री लिखनी है कि वो किस कंट्री का रहने वाला है जो कंपनी का मालिक है, तो उसके ऊपर आप लिख देंगे कि वो अगर दुबई का है तो दुबई लिख देंगे, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद आपने लिखना है उससे अगले वाले बॉक्स में जो है ना आजर का या मालिक का फ़ोन नंबर, वो भी आपके पास जो एग्रीमेंट आया होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपने कंपनी के मालिक का ईमेल लिखना है जो एग्रीमेंट पर लिखा हुआ होता है। ईमेल लिखने के बाद आपका वो जो सॉफ्ट फॉर्म में जो एग्रीमेंट हुआ होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने ये जो एग्रीमेंट है कितने साल का किया है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जितने भी साल का है आपने इस सेकंड बॉक्स के अंदर वो साल की मुद्दत लिख देनी कि इतने साल हुआ है। फिर नीचे आता है मुआहदा मुद्दत। अगर आपने कुछ सालों के साथ साथ कुछ महीनों का भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जैसे 2 साल 2 महीने, 2 साल 4 महीने, या 3 साल 4 महीने, या 5 साल 10 महीने, जितने भी आपने महीने किए होते हैं वो महीने आपने यहाँ पर लिखने होते हैं। अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली साल का ही किया है, किसी साथ में महीने का नहीं किया हुआ, यानी सिर्फ डायरेक्टली 2 साल 3 साल 5 साल किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो 0 लिख देना है कि 0 महीना। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर बॉक्स के अंदर आपने लिखना है कि आप अपना वीज़ा प्रोटेक्टर कहाँ से करवा रहे हैं, वो लाहौर में उसका ऑफिस है, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, जहाँ पर भी होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लास्ट में ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इमिग्रेंट के लिए अपने प्रोटेक्ट्रेट ऑफिस को तलाश करना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल, आप यहाँ से ईजिली पता कर सकते हैं कि आपको किस और कहाँ जाना चाहिए अपने वीज़े को प्रोटेक्टर करवाने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना एक लिस्ट खुल जाएगी, उस लिस्ट के मुताबिक आपको अपना प्रोटेक्टोरेट ऑफिस जो है वो मिल जाएगा। जी, इस बेनिफिट्स में काफ़ी बेनिफिट्स दिए हुए हैं, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, आप यहाँ पर मेडिकल वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। अब इससे नीचे अगले वाला सेक्शन है इमिग्रेंट की रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, यानी कि आपकी मुकम्मल तफसीलात जो आपने यहाँ पर मुहैया करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपने पहले वाले बॉक्स में अपना पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखने के बाद उसके बाद आता है दूसरा बॉक्स, इसके अंदर आपने बताना है कि आप मर्द हैं तो आप मेल लिखेंगे, औरत हैं तो आप लिखेंगे फीमेल। ये आपकी अपनी तफसीलात हैं जो अब आप यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं और आपने जो है वो लिखनी है यहाँ पर। इस बॉक्स में आपने जो है ना अपने वालिद का नाम लिखना है, अगर आप बच्चे हैं, यानी कि शादी गैर शादीशुदा हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो औरत ने अपने हस्बैंड का यानी अपने शौहर का नाम लिखना है। नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है, और चौथे नंबर पर आपने उस ज़िले का नाम बताना है, लिखना है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, और उससे आखिर में आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो दर्ज करना है। कहते हैं यहाँ पर देखिए, जहाँ से आपने पासपोर्ट हासिल किया है आपने उस शहर का नाम लिखना है। फिर दूसरे बॉक्स में पासपोर्ट किस तारीख को बना वो तारीख लिखनी है। तीसरे वाले बॉक्स में पासपोर्ट जिस तारीख को ख़त्म होगा आपने वो लिखना है, और ये सारा आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, और सबसे लास्ट में आपने अपना ईमेल नंबर लिखना है जो आपका है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल लिखने के बाद आप देखें, आपने अपना पोस्टल एड्रेस यानी अपने डाक का पता देना है, अपने सूबे का बताना है, अपने ज़िले का बताना है, और फिर अपने डोमिसाइल के बारे में, अगर आपने डोमिसाइल बनाया हुआ है तो, अगर नहीं बनाया तो डोमिसाइल वाले खाने को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि आपकी तालीम कितनी है। तालीम बताने के बाद आपने नीचे आना है, आपने अपनी ये जो लिखा हुआ चूज़ फाइल, जिसको मैंने जो है ना वो सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इंटरनल मेमोरी में खुलेगा। आपने यहाँ से अपनी तस्वीर चूज़ करनी है, मुंतखब करनी है कि आप कौन सी तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं। और जैसे आप उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, पिक्चर का साइज़ 300px से 350px से बड़ा ना हो, ठीक है जी। यानी 300 से 350 ये इसका साइज़ है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए वरना आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। इसके बाद अगला सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें आपने अपने वारिस की तफसीलात बतानी है, यानी कि आपके घर का वारिस कौन है, आपके वालिद हैं या भाई, आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है। नीचे वाले खाने में आपने उसकी उम्र लिखनी है। तीसरे वाले खाने में आपने बताना है कि आपके वारिस के साथ आपका क्या रिश्ता है। अगर वो आपके भाई हैं तो आपने लिखना है कि मेरा वो भाई का रिश्ता है। अगर वो आपके वालिद है तो आपने लिखना है बेटा। और अगर वो आपके हस्बैंड है तो आपने लिखना है अपना शौहर। नीचे आपने वारिस का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यानी वालिद भाई अपने शौहर का। और उसके बाद आपने उसके नीचे जो सबसे लास्ट में है वारिस का कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर जो है वो लिखना है। टेलीफोन नंबर लिखने के बाद आपने वारिस का पता लिखना है कि उसके घर का पता क्या है। और ये जो है ना, ये चीज़ें बड़ी गौर से आपने लिखनी है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई मसला दरपेश आता है तो सबसे पहले आपके वारिस के साथ ही कॉन्टैक्ट किया जाता है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है जिसमें अगर आप पहले भी बाहर मुल्क किसी कंट्री में जा चुकी हैं और जाते हुए आपने अपना प्रोटेक्टर करवाया है तो ये सेक्शन आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है, आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। आप इसको वैसे ही स्किप कर देंगे तो इसका कोई मसला नहीं है। ये लाइनें आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, यानी कि इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको आप बग़ैर फिल किए हुए जो है वो आगे चलते जाएं। ये नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें आपने जितने अखराजात अभी तक किए हैं उनकी तफसीलात बतानी है। यानी कि पहले बॉक्स में आपने वो टोटल ख़र्चा बताना है जो आपने अभी तक कर लिया है, यानी आपने वीज़े के लिए कितने पैसे दिए हैं, टिकट वगैरह के जो पैसे लगे हैं आपके, या और इधर उधर जितने भी एक्सपेंसेस या जितने पैसे लगे हैं उन सारों को टोटल करने करके आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके नीचे है आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी तफसीलात आपने लिखनी है। पहले नंबर पर ये जो लिखे ना अकाउंट टाइटल उनवान, तो वो वहाँ पर आपने अपना नाम लिखना होता है, क्योंकि आपके अकाउंट का टाइटल आपका नाम होता है। नीचे वाले जो सबसे लास्ट में जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है। लेकिन ये याद रखिए, अकाउंट नंबर लिखने से पहले आपने अपनी ब्रांच का कोड भी साथ लिखना है। पहले कोड लिखेंगे और अगले खाने के अंदर साथ ही आपने अपना जो है वो अकाउंट नंबर लिख देना है। इस खाने के अंदर आपने उस बैंक का नाम लिखना है जहाँ पर आपका अकाउंट है, कि वो HBL है, बैंक अल हबीब है, या जो भी बैंक है, मीज़ान है, जो भी है, आपने उसका नाम लिख देना है। जब आप वो लिखेंगे उसके बाद ये जो लिखे हुआ है आई एम नॉट रोबोट, आपने इस आई एम नॉट रोबोट यहाँ पर क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है सबमिट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जैसे ये सबमिट होगा तो आपको एक कोड मिलेगा, जैसे कि XYZ305 ऐसा कोड मिलेगा। आपने उसको अपने पास लिख लेना है उस कोड को। और जैसे ही आप प्रोटेक्टर ऑफिस जाएंगे और जहां पर ये प्रोसीजर स्टार्ट होना होता है, जहां पर आपका अंगूठा स्कैन होना होता है, वहां पर उन्होंने आपसे ये पूछना होता है। अगर आप नंबर बता देंगे तो आपका जो है ना वो डायरेक्टली कर देगा, वो खोलेगा और देखेगा कि आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपको जो है ना फौरी वहाँ से आगे भेज दिया जाएगा। और इसलिए उसको याद रखना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ये पूरा फॉर्म आपसे एक एक करके पूछ पूछ के जो है ना वो करेगा, या आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेकर इसको फिल करेगा, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट भी दीजिए, ये बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स और सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं और लोगों का भी जो है ना वो काम आ सकूं। देखिए, एक वीडियो बनाने से देखिए कितने लोगों का जो है ना वो भला हो जाता है। और ये आपकी मरहूने मिन्नत भी होता है कि आप मुझे किस तरह सपोर्ट करती हैं, ताकि मैं दूसरों की और मदद कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।